हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के बज चुके हैं 4:15 और मैं और प्रीति चिंकी जाएंगे बुढ़ाना। तो हम लोगों को कुछ काम है और थ्रेडिंग करा के आनी है क्योंकि फैमिली में कल शादी, तो हम लोगों को वहां पर जाना है। तो चलो जी चलते हैं। चिंकी रेडी है। और चिंकी किस लिए जा रही है वो मैं बता देती हूँ। चिंकी के ना इयररिंग्स आए हुए रखे, लेकिन वो मुझसे पहनाए नहीं गए। वो जो है ज्वेलरी बनाएंगे, तो इसे लेकर चलते हैं। इसकी रिक्वेस्ट आती रहती है, आज लेके चलो, कल लेके चलो, तो जाना जरूरी है। और तो तुझे? आपने न्यू शूज पहन लिए? बस पहन लिया आज मन ने, बढ़िया लग रहे। आरुषि आराम से अपना ट्यूशन का, स्कूल का होमवर्क कर रही है क्योंकि फिर ट्यूशन में भी जाना है। बच्चों को बिजी रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक उन्हें गाने सुनाते। तू परसों बारात में चलेंगे ना, पटना चढ़ेगा, भाभी आवेगी, हमारा भाभी आवेगी। डंग चिक डंग चिक डंग। जैसे ही रिक्शा में से उतरे, इतना ज्यादा क्राउड है भगवान, पता नहीं। देखो जैसे दिल्ली में जाम लग रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से चल रहा, इतनी भीड़ हो रही। निकलने का भी, रोड क्रॉस करने का भी मौका नहीं मिल रहा। ये ट्रोला और निकल जान दे, ये वाला ट्रक और निकल जान दे, जब चलेंगे तो इतनी भीड़। ट्रोलों में देखो, मील में। और इसीलिए बाजार में आना पैदल में फायदा है, बाइक से निकला नहीं जाने का। और पैदल में हम लोग कितनी दूरी तय कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ रुकते रहेंगे। चलो बड़े वाहन पता नहीं सकते है? पहुंच गए ज्वेलर के यहाँ पे, और जाने माने अपने ज्वेलर राजा भैया की दुकान में पहुंच गए हम लोग। और बंद है? नहीं, परसों ही तो इसने निकाल लिया, इसमें से टॉप्स पहन रखे थे, इसके कान बंद बता दिए। तो बाली तो इसकी कितने दिन की ले जा रखी मैंने, ये देखो। लेकिन मेरे से ये सैड नहीं है, इसके कानों में पहनाई नहीं गई बिल्कुल भी। चलो देखो, चीज लुटाने, चीज नहीं आने की बिल्कुल भी। अच्छा, ये आप इसलिए चीज उठा रखी थी आपने, मैं तो कह रहा हूँ चीज तो ठीक है। हुआ नहीं? हो गया भूल। अच्छा, अरे अभी बंद ही हो गया होगा, या तो उसी दिन तक कह रही है, मेरा ही टाइम नहीं लगा। जैसे अभी बच्ची है ना, तो एकदम चीज चोट पे एकदम घाव कर ले। हाँ चिंकी चुप हो जा, चुप चुप चुप, बंद हो गए बेटा, ये कान बंद हो गए। एक मैं तो पना दी, इतनी दया उस दिन भी नहीं रोई जितना हम पहली बार बनवा के लेके थे इसके, उस में इतना दुख लगता। अब ये बिंदर हुए बिंदर है तो चीज तो उठेगी ना। चुप चुप हो जा, दर्द तो होगा गई, चुप हो जा। अब ठीक है चिंकी है, अब तो नहीं दर्द हो रहा? शुरू शुरू में हुआ, फोन भी निकल गया तेरे तो, थोड़ा सा बंद हो गए थे बिल्कुल लेके। बंद हो गया, गांठ हो जा। दिखा तो जी, पाली पहनाने के बाद में अभी हम लोग आ गए हैं रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर। तो यहीं से अक्सर हम लोग कपड़े खरीदते हैं, हमारी पसंद के मिल भी जाते हैं। और कपड़े लेने हैं हमें सभी बच्चों के लिए नहीं, केवल नंदनी के लिए। सभी बच्चों के पास में फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स सब कपड़े हैं, जींस टॉप ट्राउजर वगैरह जो उन्हें जैसे मौसम में पहनने हैं। लेकिन नंदनी के पास में जो हाफ स्लीव्स के कपड़े हैं वो रखे हुए हैं शॉर्ट वाले, लेकिन फुल स्लीव्स के कपड़े इस मौसम के नहीं हैं। और जो रखे हुए हैं हमारे पास में, जो उसके आते हैं इधर उधर से गिफ्ट वगैरह में, तो वो जो है बड़े हो जाते हैं या फिर छोटे, सेम साइज नहीं मिल पाता है। तो खैर कोई बात नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नंदनी के दो जोड़ी कपड़े ले लेते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे सेट मुझे दिखाए भी, तो अच्छे भी लग रहे थे मुझे। ज़्यादातर पिंक कलर का ये टी शर्ट वाला सेट अच्छा लगा, लेकिन प्रीति को इसकी जींस पसंद नहीं आ रही थी। पैरेट कलर का भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो थोड़ा प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो
दो जोड़े लेंगे तो प्रीति की मतलब पसंद के ही ले लेते हैं। तो ये भैया बोले कि मैं दूसरी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इस मौसम में कपड़े पहने जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए दिखा दीजिए, तो आज उसके कपड़े तो हमें लेकर ही जाना है, नहीं तो फिर किसी और शॉप से हम लोग ट्राई करते। बस ये है कि यहाँ से सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, एक जगह से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जी और बच्चों के पास तो है सबके, आरुष आरुषी चिंकी गुड्डू सबके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो अभी इन आंटी का बेटा ही रेडीमेड गारमेंट की दुकान करता है, तो यहीं पर हम लोग थ्रेडिंग करा लेंगे। अब की बार मैं दूसरे पार्लर में नहीं गई जहाँ पर हर बार जाती हूँ। कपड़ों की खरीदारी तो हमने कर ली है और यहीं पर ऊपर इनकी मम्मी जो है भैया की पार्लर करती है, तो यहीं पर हम लोगों ने थ्रेडिंग बना ली थी। तो सबसे पहले प्रीति का नंबर यहाँ पर लग गया है। तो प्रीति को काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसने करवा चौथ वाले दिन ही थ्रेडिंग कराई थी और इसके बाद में मेरा नंबर लग जाएगा। तो बहुत सारे कस्टमर बैठे थे तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल नहीं पाई। के लिए चाहिए आपको, शादी वादी में देने के लिए चाहिए? नहीं, हमें तो घर में ही डेकोरेट करने के घर के लिए चाहिए आपको डेकोरेट करने के लिए। साथ तो ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा तो नहीं, एक उसमें है मेरे पास रखी है ना। अच्छा, वो उसमें उसमें सोना नहीं लगेगा? उसमें तो बहुत उसमें दो तरीके के ले लो। हाँ, एक और कितने का होगा? ये कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला इसमें से कलिया भी निकली हुई है कहीं सारी। तो कली तो हम लगा कर देते हैं, टेंशन नहीं है, वो हम लगा रहे हैं भैया। छोटे वाले में तो ये आओगे भाई, है ना? ये छोटे वाले, चेरी वाला है। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गिफ्ट की दुकान में और हमें लेने हैं यहाँ से कुछ फ्लावर्स। और ये देखिए भैया हमें दिखा रहे हैं, अभी चिंकी को समझ में नहीं आ रहा और ना प्रीति को, कौन से ले कौन से ना ले, सारे अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाला सेट मुझे ज्यादा बढ़िया लगा, ये छोटे वाला। और सबसे अच्छी बात है धुल भी सकते हैं, जब भी कोई भी कुछ वो हो तो तभी हम लोग इन्हें धो भी सकते हैं। भैया एक सेट तो ये निकाल दो जो आप हाथ में ले रहे हैं। हाँ, ये कलर, ये वाला एक ये और एक ये वाला। हाँ, ये वाला बड़े पॉट का नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट फ्लावर और ये देखो हैंडमेड हैं सारे के सारे, बहुत सारे पॉट, कुछ भी ले सकते हैं। और आज हम भी लेकर जाएंगे, काफी दिन हो गए सोचते सोचते, तो थोड़ी सी क्लीनिंग की थी तो सोचा कि घर का मेकओवर करेंगे। खाली खाली और खाली खाली लग रहा क्योंकि वहाँ से सारी पेंटिंग वगैरह हटा दी हमने, तो अब ये रखेंगे वहाँ पे। क्या कह रही चिंकी? मुझे चश्मा चाहिए। आप चिंकी चश्मा लेके ही रहेगी। हाँ। ये देख ले चिंकी, मुझे तो भीड़ को देखते ही डर लग रहा। तेरी चाची ने तो फूल खो दिया था, इसी घर क्या लगा होगी वो तो ध्यान पड़ गया। हाँ, आपको पॉपिट दिखाऊं? कहाँ? ये होगा। अच्छा, ऐसे टुक टुक करा जाए इससे। अच्छा, नु कह रहे बम बता बम है, नु कह रहे थे बम, अरे बम का नाम बता बम का। अच्छा, चक्कू ले ओ पहले बढ़िया सा, चलो जल्दी से। हाँ, मम्मी ये वाला उससे ऊपर ये। हाँ। नहीं ठीक है, ये काटने के नाम का ब्रेड ब्रेड, ये देखो कौन सा ऊपर भैया दिखाइए और ऊपर का। ये तो और भी ठीक है ना, रबड़ का है ये, तो टूटे ही होंगे दंते वाले। हाँ, ये तो निकल जा, कुछ और देख ना, दूसरे दिखाओ इनमें से, ये वाला कितने पहले हैं? कितने के ये? ये 60 के। चक्कू भी ले लिए, चक्कू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी घर में, मर मार थी चक्कू की। चलो जी, होते रहें ढूंढते रहें फिरते रहें। फिलहाल हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली हैं, अब चलते हैं घर पर और सारा काम हो गया। जो जो हम लेने के लिए आए थे और करने के लिए आए थे वो हो गया, लेकिन सामान हमने एक्स्ट्रा ही ले लिया बिन सोचे समझे। चलो जी चलते हैं, और अभी हमें रोड क्रॉस करने आए हैं बहुत सावधानीपूर्वक। चिंकी जो है फॉइल पेपर याद दिलवा रही, चलो जी फॉइल पेपर वो लेंगे, लेकिन आगे से लेंगे। तो जी जो हमारी शॉपिंग थी वो हो चुकी है, थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा ही कर ली जो हम सोच समझ के भी नहीं आए थे। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा घर का मेक ओवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा सामान अपना डेकोरेशन का भी ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब घर को डेकोरेट करते हैं। तो चिंकी बड़ी मस्त होकर बैठी है ऑटो में और बहुत अच्छा लग रहा है इसे, और ये कह रही थी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, और बाइक पर तो बहुत जल्दी से चले जाते हैं, ऑटो में हिलते हिलते जाओ मस्त है जी, जैसे बच्चे करते हैं घर आते ही नमस्ते जी। आपके लिए हम कुछ भी नहीं लाए बेटा, और
दुख भी लगा बहुत, खून लिख गया था तेरे बल्ले बल, क्या तेरे पता चल रहा, रोई होगी। हाँ मम्मी सारे पॉट सजाओगे? हाँ सारे फ्लावर्स इन्होंने निकाल के रख दिए हैं। कैसे लग रहे यार उसी है? अच्छे अच्छे लग रहे, चलो तो अच्छे हैं, तो चलो ठीक है फिर तो। ये इन्होंने ना पॉट मंगाए थे और ये काफी दिन से रखे थे, मंगाए थे ऑनलाइन, और क्वालिटी तो वैसे मम्मी जाके ऑनलाइन उनके उसके उसमें कंपनी में चेक तो करवाई नहीं थी, अच्छी है मंगा लिए थे, अभी अच्छे लग रहे हैं देखो, सब में लगा दिया। और ये मिला था गिफ्ट में, और ये सबसे प्यारा लग रहा मुझे, देखो कांच का है ये। अभी सारे फ्लावर्स हमने अब में रख कर देख लिए हैं, अभी इन सारे पॉट्स को लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ का एरिया बिल्कुल खाली खाली नजर आता है, तो इस वजह से हम लोग इन्हें सजा देंगे। तो आज एक बहुत बड़ा त्योहार भी है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो चलो जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैसे तो वैलेंटाइन का मतलब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, मुझे पता है, लेकिन ये है कि जब तू कह ही रही तो कोई बात नहीं भाई, तुझे भी मुबारक और क्या, थैंक यू, इतना ही कर सके। बाकी ये जो नकली देगा तू मुझे वैलेंटाइन जो है नकली, असली नहीं क्या करते, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, नहीं फूल तो नकली फूल तो फूल ही हो, असली तो गिफ्ट है, ये सूखने के तो नहीं कम से कम, गिफ्ट तो गिफ्ट है पर ये फूल तो नकली। चलो खैर कोई नहीं, सम्मान से दिए तत्ते, हम इन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं, फिलहाल तो जो है हमारी नंदनी देखो भाई सो गई है यार। और जब तक हम लोग आए इन्होंने नंदनी को सुला दिया है, आराम कर रहे हैं दोनों पापा बेटी, ये देखो अब जग जाओ और फटाफट से जैसे हम बाहर से हमारे लिए चाय बनाओ। तो नो कह रहे फॉइल पेपर किसकी दुकान पर मिलेगा? अच्छा खोया कुछ नहीं, कुछ नहीं खोया, मैं तो कह रही फॉइल पेपर ग्रोसरी की दुकान पर मिलेगा, फिर भी लिया नहीं, इतने आलसी है जब वहाँ तक चले गए तो कट में घुमा लाए, तो जब दिलवाया भी नहीं है तेरे कानों में सुनने के तो पीवा दिए, सुनने ज्यादा तेज ना बोलो पड़ोसी। अभी साथ के साथ गुड्डू इन सबको यहाँ पर लगा देगी, डेकोरेट कर देगी, और एक ये रख दे बस, बाकी अपनी चाची के रूम में रख दे, तीन रख दे, तीन उधर रख दे, है ना? हाँ। पीछे कुकर का रख बेटा। अच्छा, हाँ। बस बस, और गिलास भी पीछे को ही रख। हाँ, और ये फूट गया ना, क्योंकि आरू सारू सी कुछ ना कुछ फेंक के मारो जाए, पीछे को रख दे बस, बस ठीक हो गया। अब ये चार बज के, ये चार उधर रख दो। अब गुड्डू अपने तरीके से लगाएगी, सुबह प्रीति ने अपने तरीके से लगाया था, ये देखो कुछ इस तरीके से पीछे की साइड करके, क्योंकि बच्चे ना कुछ ना कुछ फेंक देते हैं ऊपर तक उड़ते रहते हैं। फिर इसे इधर रखो, बस फिर इधर को रख, मजबूत रखिए लेकिन जो गिर ना सके, यहाँ रख दे परे को, बस बस, बस।